एमपी में बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले शहर इंदौर में संगठन सदस्यता अभियान का खास रिकॉर्ड कायम करेगा, जहां सदस्यता अभियान को लेकर बुलाई गई बैठक में प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देते हुए 5 लाख नहीं बल्कि 8 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य सौंपा। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में बीजेपी का मिशन सदस्यता अभियान। सदस्यता महाअभियान के लिए इंदौर तैयार, 8 लाख से ज्यादा सदस्य बनाएगा इंदौर। रविंद्रनाथ टिग्रह में आयोजित हुई संगठनात्मक बैठक में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जीराती, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, विधायक मालिनी कौर, मधु वर्मा, महेंद्र हाटिया, अजा वित्त विकास निगम अध्यक्ष सावन सोनकर समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पर अब कोई भी नहीं करता, आप सब पिता नहीं, गौरव जी ने बहुत अच्छा संगठन चलाया, गौरव जी के लिए भी ताली बजा दीजिए। हमारे उपाध्यक्ष महोदय प्रदेश के, और यहाँ पर हमारे अभी जिन्होंने हमने मार्गदर्शन प्राप्त किया जिनसे, जीतू भाई, जरा तालियां बजा के जीतू भाई का भी स्वागत करें। हमारे शहर के बहुत ही शानदार मेयर, और हमेशा कुछ ना कुछ नया करना ये उनकी इच्छा रहती है, और कर किया भी इंदौर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेयर साहब, जरा तालियां बजा के मेयर साहब के लिए। हमारे सांसद महोदय, जो देश में सबसे ज़्यादा कोई बहुत बधाई, पर बधाई इन कार्यकर्ताओं को, क्योंकि इस नीरस चुनाव में इन्होंने 60% मतदान कराया, 60%, तो इसलिए कार्यकर्ता उसके लिए बधाई के पात्र हैं। बाबू भैया, मंच पर उपस्थित हमारे सभी माननीय विधायकगण, पीछे बैठे हुए सभी पदाधिकारीगण, और यहाँ उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण हमारे इंदौर शहर के शानदार कार्यकर्ताओं, देवियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मैं भी बाबू भैया जब यहाँ आ रहा था तो आपको देखकर एक किस्सा याद आ गया मुझे। जनसंघ का जब सदस्यता अभियान होता था तो अच्छा, डॉक्टर तेज बहादुर जी हमारे प्रभारी हैं इंदौर, आगे आइए डॉक्टर साहब, आगे आइए। एक एक खसक जाओ उधर, एक कुर्सी और लगा दो ना सावन, तुम्हारे आगे एक कुर्सी और मंगा। हमारे हैं जिनको आप बस्ता प्रमुख बोलते हो, बस्ता देते हो, और जितने शक्ति केंद्र हैं उसके लिए संगठन ने कहा है, हमारे लोग यहाँ पर वो बात नहीं कह पाए, संगठन ने कहा है कि हमें एक सदस्यता सहायक बनाएंगे, तो सदस्यता के लिए एक सहायक बनाना है। मैं गौरव जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जितने बूथ महानगर में आते हैं, हर बूथ पर एक प्रवासी कार्यकर्ता तय करेंगे, और जिस दिन मोदी जी सदस्यता लेंगे उसी दिन रात को हमारा वो कार्यकर्ता उस बूथ पे जाके किसी कार्यकर्ता के घर सोएगा, अपने लोगों के साथ मीटिंग करेगा, और अगले दिन का जब सवेरा होगा, सवेरा होते ही हर बूथ की टोली मेंबरशिप में लग जाएगी, और शाम होते होते एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए इंदौर नंबर एक के स्थान पर पहुंच जाएगा। हमारे जितने पार्षद हैं, हमारे जितने पदाधिकारी हैं, हमारे जितने बूथ के कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख है, पृष्ठा प्रमुख है, हमने जिनको भी बनाया है, ऐसे आपके इस इंदौर लोकसभा में 184,000 कार्यकर्ता हैं गौरव जी, और 184,000 कार्यकर्ता, आदरणीय कैलाश जी भाई साहब, अगर कार्यकर्ता कार्यकर्ता मेंबर सबको बनना है, महेंद्र सिंह को भी बनना है, कैलाश जी भाई साहब को भी बनना है, सबकी मेंबरशिप हो चुकी है, फिर से बनना है। अगर मान लो हम लोग तय कर दें इतनी बार कि जितने कार्यकर्ता हमारे कंप्यूटर में फीड है जिसका नाम, कम से कम पहले दिन वो सारे लोग अगर मेंबर बन गए तो पहले दिन ही पता चलेगा कि हम 2 लाख कार्यकर्ता इंदौर में हमारे मेंबर हो गए। अगर एक दिन में एक शहर में 2 लाख कार्यकर्ता मेंबर बनते हैं, आप कल्पना करिए, पूरा भारत आपके लिए तालियां बजाएगा और कहेगा और उदाहरण देगा कि वास्तव में ये तो गजब हो गया। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, आप जो भी वर्कशॉप करिए, मंडल की बैठक करिए, 31 तारीख को बूथ की बैठक करिए, टोली की बैठक करिए, कार्यकर्ता लगाइए, ये पूरी टोली बैठी है, और हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे सभी लोग मिल करके एक काम केवल करिए कि पहले दिन
हमारे जितने आज की तारीख में मेंबर हैं वो सब पहले दिन निष्काल के माध्यम से हम लोग सब लोग मेंबर बन जाएंगे। एमपी में बीजेपी ने सदस्यता अभियान के अंतर्गत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जहां इसी के मद्देनजर इंदौर के कार्यकर्ताओं ने इस अभियान में नंबर वन बनने का संकल्प लिया। बहुत ही शुभंकर जिनको कह सकते हैं और जिनके कदम पड़ते ही मध्य प्रदेश ने कीर्तिमान रचा, और कीर्तिमान साधारण नहीं था। देश के बड़े नेता उस बात की चिंता कर रहे थे कि मध्य प्रदेश पार्टी का और संगठन के रूप में देखा जाए तो सबसे बेहतर प्रदेश है, लेकिन एक दो समस्या ऐसी जो कभी ख़त्म ही नहीं हो पाती है। बड़ी चिंता होती थी कि छिंदवाड़ा कैसे जीता जाएगा, उसकी प्लानिंग केंद्रीय नेतृत्व भी करता था और प्रदेश के भी सारे नेता, और हम सब लोग इंदौर में बैठे हुए चिंता करते थे कि कैसे भी छिंदवाड़ा जीतना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ कि 29 के 29 सीट हमारे लोकसभा के प्रभारी बनकर के उत्तर प्रदेश के यशस्वी नेता हैं, और अभी संगठन के हमारे प्रभारी है आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे मध्य उपस्थित है। जरा ताली बजा करके उन्हें अभिनंदन करें, हम सब के लिए प्रेरणा का केंद्र और जिनके कारण हम सब कार्यकर्ता गौरवान्वित होते हैं। कहीं पे भी अगर चले जाएं तो एक तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और फिर इंदौर का नाम आता है, और इंदौर का नाम जैसे ही आता है तो लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ में, कई जगह ये अनुभव मेरे को मिला है कि वो ये कहते हैं कि अच्छा इंदौर से हो, कैलाश विजयवर्गीय जी के शहर से, तो हमें गर्व होता है। मित्रों एक बार ताली बजा करके हमारे यशस्वी नेता का अभिनंदन कर। और ये स्वागत इसलिए है कि माननीय महेंद्र सिंह जी जब लोकसभा के प्रभारी बन के आए तो प्रभारी के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ कि हमने 29 की 29 लोकसभा जीत के 29 कमल के फूलों की माला, इसलिए एक बार पूरी ताकत से इंदौर जैसी ताली बजाकर स्वागत करिए, लगना चाहिए कि आज की इस संगठन पर्व की इंदौर महानगर की इस कार्यशाला में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के संगठन के प्रभारी माननीय महेंद्र सिंह जी, हमारे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि हमेशा की तरह इस बार भी सदस्यता अभियान में इंदौर नंबर वन बनेगा। देखिए संगठन पर्व है और किसी भी संगठन के लिए उसका सदस्यता अभियान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम अनुशासित एक आइडियोलॉजी वाले संगठन है, इसलिए हमारी सदस्यता अभियान में भी हम लोग बिल्कुल घर घर जाकर और अच्छे लोगों को जोड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता सिर्फ नहीं बनाना बल्कि उनको विचारधारा से भी जोड़ने का प्रयास। हाँ बना लेंगे, ऐसा है कि इंदौर के कार्यकर्ता बड़े ऊर्जावान हैं और इसलिए कोई सा भी टारगेट देंगे उसको पूरा करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी में बीजेपी संगठन ने सदस्यता महाअभियान का आगाज किया है, जहाँ इस सदस्यता महाअभियान को लेकर अब इंदौर तैयार नजर आ रहा है। वहीं इंदौर में आयोजित हुई संगठन की मंथन बैठक में 8 लाख से ज्यादा सदस्य केवल इंदौर जिले से बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसे हासिल करने का प्लान बैठक में संगठन पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने तैयार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।